नमस्कार, मैं राजमणि पाल, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टनल मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में सविस्तार आकलन के बारे में सविस्तार चर्चा कर चुके हैं और अपने बीएड एससी 91 के 1, 2, 3 और 4 यूनिट को सविस्तार रूप में जाना है, जिसमें यूनिट नंबर 1 में हमने जाना कि बौद्धिक अक्षमता क्या होती है, जिसमें हमने देखा था कि बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है जिसमें बालक का बौद्धिक और अनुकूलन व्यवहार प्रभावित होता है और यह विकलांगता जो है 18 साल के पहले परिलक्षित होती है। ऐसे बालकों का आईक्यू लेवल 70 से नीचे होता है। उसके कारणों को भी जानना था कि नेटल, प्रीनेटल और पोस्टनेटल के रूप में, कि उसके जन्म के पहले, जन्म के बाद और जन्म के समय में क्या क्या सावधानी बरती जाए जिसके कारण से बच्चा डिसेबल नहीं होता है, और इसके क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में सविस्तार जाना था कि इसके कितने प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। और उसके बाद हमने जाना कि उसके आकलन जो है, बौद्धिक अक्षमता का आकलन कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो बौद्धिक अक्षम बालक होता है वो अपने बारे में सविस्तार बहुत विस्तृत बातें या अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराने में अक्षम होता है। उसके लिए आवश्यक है कि हम उसके बिना बताएं उसके बारे में जानने का प्रयास करें, और जिसके लिए जो है हमारा आकलन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके माध्यम से हम उसके बिना बताएं उसके बारे में अवगत होते हैं। और उसमें हमने इसके पहले की क्लास में हमने देखा कि सविस्तार आकलन क्या होता है और इसके जो है ऐतिहासिक स्थिति रही कि आकलन जो है कहाँ से कैसे आया, क्या क्या चीज़ें बदलती चली गई और उसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसका जो मीनिंग है और किस किस इसका उद्देश्य क्या है और कि आकलन क्यों किया जाता है। और इसके बाद हम, चूँकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा था तो इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करके देखा है, और अब इसके बाद का जो सेकेंड स्टेप है इसको हम लोग आज देखते हैं कि जो है इसके कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि जो है इसके कौन कौन से प्रकार हैं जो आकलन करके हम बौद्धिक अक्षमता के बालक के लिए सहायक रूप में प्लानिंग योजनाएं बना सकते हैं। तो आइए हम उसके नेक्स्ट स्टेप को समझने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद आता है एनेक्डोटल रिकॉर्डिंग, कि अगर बालक का असेसमेंट करना है तो हम उसकी एनेक्डोटल रिकॉर्डिंग करें, जिसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, उसके व्यवहार का आकलन करना। यूनिज द टीचर नोट्स ऑल बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसमें टीचर जो है उसकी उन सारी एक्टिविटीज़ का एक रिकॉर्ड बनाता है कि उस निश्चित दिए गए समय में उसने क्या क्या काम किया, कैसे किया, किसके साथ क्या किया, इन तमाम चीज़ों की पूरी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। बिहेवियर प्रिंसिपल इज शुड फाउंड द थियरी, और यह थियरी जो है एक निष्कर्ष, बिहेवियर थियरी निष्कर्ष पे पहुंचती है, तो बिहेवियर आर मेंटेन आर इंक्रीज्ड बाय द इन्फोर्सिंग इवेंट दैट फॉलो द इवेंट आर बिहेवियर। और उससे ये पता लगता है कि उससे जो है उसका जो व्यवहार है वो मेंटेन है या बढ़ रहा है, जो कि उसके सामने री इन्फोर्सिंग कर रहा है और प्रमोट कर रहा है कि उस काम को वो और करे। तो उसके लिए इस प्रिंसिपल से थियरी जो है, बिहेवियर थियरी, ये बताती है कि उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, जब अगर देखते हैं कि उसको मेंटेन रख रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है या क्या स्थिति बन रही है। टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट एंड राइट डाउन एवरीथिंग दैट अकर इन द सिचुएशन, उस स्थिति में क्या बालक के साथ किस क्या घटनाएँ घट रही हैं या किस टाइप की उसके साथ मूवमेंट हो रहा है, क्या कर रहा है, वो पूरी स्थिति को एक रिकॉर्डिंग के रूप में एक राइट डाउन करता रहता है पूरी उसकी एक्टिविटी को बालक की, कि वो क्या कब कैसे क्या चीज़ें कर रहा है। तो एक पूरी रिकॉर्डिंग बनाने का प्रयास की जाती है कि उसके कार्यों को। यूजिंग एनेक्डोटल फॉर्मेट फॉर ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एनालाइजिंग बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसेस, पूरी उसकी जो है किए गए कार्यों की एक रूपरेखा बनाई जाती है जिसमें यह देखा जाता है कि वो कौन से कार्य को कर रहा है और उसका विश्लेषण किया जाने का करने का प्रयास किया जाता है कि उसने कब क्या और कैसे किया, उसका व्यवहार कैसा रहा और उसने कब उस व्यवहार को प्रकट किया, इन तमाम चीज़ों को एनेक्डोटल के माध्यम से हम एक रिकॉर्ड के रूप में रखने का प्रयास करते हैं। और उसमें निष्कर्ष आ जाता है कि नहीं, बालक में कब क्या किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, उसके आगे की स्थिति क्या हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा सकती है। इवेंट रिकॉर्डिंग, उसने जो काम किया है उसकी रिकॉर्डिंग करके, इन इवेंट रिकॉर्डिंग टीचर मेक आर टैलीज द नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफिक बिहेवियर अकर्स, उसने जब भी गलत व्यवहार किया या जो भी व्यवहार उसमें परिलक्षित हो रहा है, जो व्यवहार पाया जा रहा है जिस पर हमारा फोकस है, उसने कब कब कितने टाइम में कितने बार किया, इन तमाम चीज़ों की रिकॉर्डिंग जो है टीचर जो है उसको बना के रखता है कि कब कब किस किस समय में कितनी बार उसने इस कार्य को, एक्टिविटीज़ को या इस व्यवहार को परिलक्षित किया, इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम इस टीचर करता रहता है। टाइम सैम्पलिंग, टाइम सैम्पलिंग यूज फ्रीक्वेंसी
काउंटिंग आर इवेंट रिकॉर्डिंग टेक्निक्स फॉर वेरियस टाइम थ्रू आउट द डे आर क्लास पीरियड। इसमें जो है बालक में ये देखने का प्रयास किया जाता है कि उस व्यवहार करने की उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, कब कब करता है और उस पर्टिकुलर निश्चित पीरियड में कितनी बार करता है या होल डेज में उसने कितनी बार किया है, तो उसकी टाइम सैम्पलिंग कब कब कैसे कैसे समय की पूरी एक समय सारणी तैयार की जाती है। इंटरवल रिकॉर्डिंग, रुक रुक करके बच्चे का जो है रिपोर्ट बनाना। इट इज़ यूज व्हेन द टीचर वांट्स ऑब्जर्व सेवरल सिचुएशन आर बिहेवियर एट वन टाइम। जब टीचर किसी अनेक प्रकार के सिचुएशन या अनेक स्थितियों में के बारे में बालक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, उसकी व्यवहारिक स्थिति को एक समय में जानना चाहता है कि उसका व्यवहार कैसा है अलग अलग सिचुएशन में, तो इसके लिए वो रुक रुक करके उसका जो है असेसमेंट करता है। ड्यूरिंग इंटरवल रिकॉर्डिंग द टीचर नोट्स वेदर बिहेवियर इज अकरिंग आर नॉट। उसमें वो टीचर नोट करता है कि उसका व्यवहार कब पाया जा रहा है और कब नहीं पाया जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान देता है। टाइम इंटरवल में बी वेरी शॉर्ट थ्रू आउट द डे, और इसमें जो है टाइम इंटरवल ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है बहुत थोड़े देर के लिए कभी उसमें कोई लक्षण परिलक्षित हो या उसके दिन पूरे पार्ट पूरे दिन के कार्य को छोट के पार्ट का पूरा कोई छोटा सा पार्ट भी अगर हम ऑब्जर्व कर लेते तो उससे भी निकल के आता है कि नहीं उसकी स्थिति क्या है। ऑब्जर्वेशन टाइम इज़ वेरी ब्रीफ सच एज उसका 3 मिनट्स जो ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है जो कि 3 मिनट का भी हो सकता है। ड्यूरिंग हुई टीचर नोट्स एवरी 30 सेकेंड्स और उसके हर 30 सेकेंड के मोमेंट को नोट करता है और एयर बिहेवियर इज अक्रीम जैसे उसका व्यवहार परिलक्षित हो रहा है। ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग इट इज व्हेन द लेंथ ऑफ बिहेवियर इज टारगेट वेरिएबल ऑफ द बिहेवियर। जब बालक का व्यवहार एक निश्चित समय तक होता रहता है तो उसमें जो है ये देखने का प्रयास किया जाता है कि वो उस व्यवहार को कितनी देर तक कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है और कौन सी स्थिति है जिसके कारण से जब वो बदलाव आ रहा है। एग्जाम्पल की स्टूडेंट मे नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन टास्क। ये देखने की आवश्यकता होती है कि एक बालक किसी एक टास्क पे कितनी देर तक अपना समय खर्च करना चाहता है या कितनी देर बाद वो उसका इंटरेस्ट बदल जाता है या उसका इंटरेस्ट उससे हटने लगता है। लेटेंसी रिकॉर्डिंग इसमें देखते हैं हम कि दिस इज एन ऑब्जर्वेशन इन विच द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द मोमेंट अ स्टिमुलस। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि बालक जो है कौन सा मोमेंट जो है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है, सच एज कमांड इज गिवन अनटिल द रिस्पॉन्स अकर, मतलब कौन सी सिचुएशन है या स्थिति है जिस पे वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है या उस चीज़ का अनुकरण वो सही से करता है, तो उसमें हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि उसकी लेटेंसी रिकॉर्डिंग भी रखी जानी चाहिए। चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट सिस्टम, उसकी चेकलिस्ट सिस्टम के द्वारा भी जो है उसका आकलन किया जा सकता है कि उसकी स्थिति क्या है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर्म अब चाइल्ड ऑब्जर्वेशन फॉर्म जो है मुख्य रूप से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर्म बनाया गया जिसको जो 4 पेज का होता है। इसमें फर्स्ट पेज स्टूडेंट प्रोफाइल, इनसाइड पेज 3 पार्ट्स द ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल्स बिहेवियर विथ सीवियरिटी एंड इंटेंसिटी, उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है, उसकी गंभीरता कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेलिंग होती है। स्पेस फॉर एनेक्डोटल रिकॉर्डिंग जो उसकी पूरी दिनचर्या कैसी है उसके बारे में पूरा रिपोर्ट बनाने के लिए स्पेस होता है। इंटरवल रिकॉर्डिंग रुक रुक करके उसकी कौन सी स्थिति है, इंटरवल रिकॉर्डिंग का रिपोर्ट भी उसमें लिखने का इस जगह दिया जाता है या होता है रिपोर्ट। और कंट्रोल स्टूडेंट्स ऑन टास्क बिहेवियर और स्टूडेंट का टास्क बिहेवियर जो है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में उस चेकलिस्ट में उसका वर्णन किया जाता है। अदर टेक्निक्स फॉर असेसिंग बिहेवियर, अन्य तकनीक क्या हैं बालक के व्यवहारिक आकलन के लिए, तो चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्किल इसका उपयोग किया जा सकता है। चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, पेरेंट्स टीचर यूथ रिपोर्ट फॉर्म, तो चाइल्ड का व्यवहारिक जो है आकलन के लिए चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है, अभिभावक का, शिक्षक का या उसके साथ के लोगों के रिपोर्ट फॉर्म जान करके देखा जा सकता है कि उसकी स्थिति क्या है। बिहेवियर रेटिंग स्किल प्रोफाइल उसके द्वारा जो है जाना जा सकता है। कॉनर्स रेटिंग स्किल के द्वारा जो है बालक की व्यवहारिक आकलन किया जाता है। क्वेश्चनेयर के द्वारा या इंटरव्यू के द्वारा। सोशियोग्राम द मेथड इनेबल द टीचर्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप डायनामिक्स,
एंड स्ट्रक्चर विद इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जो है बालक जो है के तमाम उन एक्टिविटीयों के बारे में जानने का प्रयास करता है टीचर, जिससे वो कि वो क्लास में उसकी स्थिति क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर इन द क्लासरूम या किस टाइप की चीज़ें, सोशियोग्राम में उसकी स्थिति क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है। इकोलॉजिकल असेसमेंट इन दिस मेथड एनालाइज द स्टूडेंट्स टोटल इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन विद द अदर्स। इसमें देखने का इकोलॉजिकल सिस्टम कि वो वातावरण में कैसे रहता है, लोगों के साथ उसका इंट्रैक्शन कैसा है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन प्लेग्राउंड, क्लासरूम, लंच रूम, उसका खेलने के मैदान में कैसी स्थिति है, लंच करते समय स्थिति क्या है, मैथड एंड मटेरियल प्रेजेंटेड इन द क्लासरूम, मैथड से उसको समझ में आता है क्लासरूम में जो मटेरियल है वो उसका उसके लिए कितना उपयोगी है, इन तमाम माध्यम से जो है बालक का हम आकलन कर सकते हैं उसके व्यवहार की स्थिति। प्रोजेक्टिव असेसमेंट टेक्निक्स के माध्यम से क्या करते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, उसके कोई अगर सेंटेंस दे देंगे तो उसमें जो है टास्क दे दिया गया और उसमें चेक करते हैं उसके माध्यम से। प्रोवाइड स्टेम्स आर बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस दैट इज स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू फिनिश, कि कैसे हमने कोई छोटा सा सेंटेंस दे दिया और उसको बच्चे को बोल दिया गया कि फिनिश करिए, तो समटाइम्स आई विश, आई फील सैड व्हेन, तो सेंटेंस कुछ वर्ड लिख करके और एक फीलिंग करने के फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन दे करके कि इसके आगे वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, तो थोड़ा सा उसके जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा जो है उनके विचारों को जानने में सक्षम हो सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट के द्वारा भी जो है उसके उसके विचारों को समझा जा सकता है। ड्राइविंग टेस्ट अटेम्प्ट टू स्क्रीन स्टूडेंट्स फीलिंग अबाउट सेल्फ, होम एंड फैमिली, उसके परिवार के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी पारिवारिक घरेलू स्थिति इत्यादि के बारे में जानने के लिए जो है ड्राइंग टेस्ट उपयोगी होता है। ड्राइंग टेस्ट इन विच स्टूडेंट ड्रा फिगर्स, हाउस, ट्रीज, फैमिलीज, वो किस चीज़ का जो है उसका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, अगर कोई पिक्चर हमने दे दिया कि ड्रा करिए तो वो क्या बनाता है, घर बनाता है, पेड़ बनाता है, परिवार के किसी सदस्य का नाम बनाता है, इन तमाम चीज़ों के उससे द्वारा जो है उसके इंटरेस्ट को समझा जा सकता है। अप्रिसिएशन टेस्ट में स्टूडेंट्स फीलिंग अबाउट व्हाट ही सी प्रिसीव्स टू बी हैपनिंग इन पिक्चर आर अदर स्टिमुलस इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, रॉबर्ट्स अप्रिसिएशन टेस्ट फॉर चाइल्ड 15 ईयर्स, उसका जो है अप्रिसिएशन टेस्ट के लिए जो है के द्वारा जो है उसके विचारों को जाना जा सकता है कि उसकी सोचने की स्थिति, उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रभावित हैं, किस में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा वो रुचि ले रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसके माध्यम से जाना जा सकता है। असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, अब अगर बालकों का जो है असेसमेंट तो अनेक रूपों में हमने देखा कि एजुकेशनल, बिहेवियरल, तमाम चीज़ों के बारे में देखा, अब उसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज असेसमेंट करना, भाषा का जो है आकलन कैसे करते हैं, तो उसमें ब्रेन 1982 में स्टेटेड लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न बाय सिंबल सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो लैंग्वेज एक ऐसा सिंबल है जिसके माध्यम से हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या अपनी बातों को रखते हैं, जिसके माध्यम से ओवरऑल चीज़ों के बारे में उस संकेत के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। अर्थात जिसके माध्यम से, जिस संकेत के माध्यम से हम पूरी दुनिया के बारे में जानने में सक्षम होते हैं या अपने सराउंडिंग चीज़ों के बारे में समझते हैं, उसी को लैंग्वेज कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन 1982 के अनुसार कहा जा सकता है। कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक कौन कौन से हैं, तो जब कोई बालक कुछ बोलता है तो उसका सिस्टमेटिक डेवलपमेंट कैसे होता है, तो छोटा बालक जैसे होता है तो उसकी फोनोलॉजी, फिर मार्फोलॉजी, फिर सिंटैक्स, फिर सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, इन तमाम चीज़ों का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। तो ये फोनोलॉजी में इन्वॉल्व्स यूज द फोनोम्स स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ साउंड दैट आर कंबाइंड टू वर्ड्स लाइक गोज, जब छोटा बच्चा होता है तो ऐसे इसी इन्हीं फोनोलॉजी के द्वारा, उच्चारण के द्वारा जो है वो सिंपल से वर्ड को बोलता है, और जिससे कुछ अर्थ तो नहीं शायद निकलने समझ में आते हैं लेकिन कुछ वर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करना शुरू करते, तो वहाँ से उसकी वॉइस फॉर्मिंग शुरू होती है। मॉर्फोलॉजी, हाउ टू फोनिम्स आर पुट टुगेदर टू गिव मीनिंग, अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे एग्जाम्पल दिया गया है तो इसी वर्ड को वो कैसे डिस्प्लेसमेंट, तीन वर्ड को मिला करके वो कैसे बोल देता है, कि वर्ड को मिला करके जब वो मीनिंग के रूप में देना शुरू कर देता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है, तो वो
मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद उसी को सिंटैक्स में कैसे कब कन्वर्ट होता है, सिंटैक्स इन्वॉल्व द रेशनल मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, दैट इज हाउ वर्ड आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंस, कि दो शब्दों को एक साथ कैसे जोड़ दिया जाए कि कुछ उसकी मीनिंग निकलने शुरू हो जाते हैं, कि दो शब्दों को एक साथ रखने में कि जिससे जो है वो मीनिंगफुल होने की स्थिति बनने लगती है, कि जब दो शब्द तो वो एक अर्थपूर्ण शब्द बोलना शुरू करता है। जैसे बालक एक या दो शब्द जब बोलना शुरू करते हैं, कहता है कि पानी, मम्मा, पापा, तमाम, तो अब पापा दो शब्द मिलके बना है, तो अब पापा तो एक शब्द बन जाता है और उसकी एक मीनिंग निकलती है कि नहीं वो किसको संबोधित कर रहा है, तो एक शब्दों में उसका सिंटैक्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आता है सिमेंटिक्स, रेफर टू द मीनिंग ऑफ वर्ड, और पूरे सेंटेंस का जो है एक मीनिंगफुल वर्ड निकलने, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है उसके हिसाब से उसकी वर्डिंग में एक मीनिंग निकलने लगती है, जो वर्ड बोलता है उसका एक मतलब निकलने लगता है, और फिर वही वर्ड जो है प्रैग्मेटिक में कन्वर्ट होता है, रेफर टू द यूज ऑफ लैंग्वेज विद इन द कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट, और जब वही शब्द जो है वर्डों का जो है एक सही चयन करते हुए एक भाषा के रूप में परिलक्षित होने लगता है, बोलने लगता है, तो उसकी दो रोज की क्रियाओं में, प्रयोग की क्रियाओं में बदल जाता है और उसको वो कम्युनिकेशन के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट करने का इसका तरीका क्या है, अब इसके दो तरीके हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट में देखते हैं कि स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, इनफॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, एनालिसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस ऑफ लैंग्वेज। इनफॉर्मल असेसमेंट में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि किसी चीज़ को अगर जानना हो उसकी भाषा की स्थिति क्या है, उसकी समस्या क्या है, और इनफॉर्मल वे में हम उसके उद्देश्य को जानने का प्रयास करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, इन चीज़ों के बारे में हम सिंपल वे में बिना किसी सिस्टम के जो है उसकी भाषा के का या उसके आकलन करने का प्रयास करते हैं। फॉर्मल असेसमेंट में स्क्रीनिंग तो की जाती है उसके जानने के लिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करने का प्रयास किया जाता है, जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्डाइज टूल के द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए एक टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईपी वगैरह गोल वगैरह बना करके ही एक निश्चित प्लेटफॉर्म के तहत ही उसका उपयोग किया जाता है। इनफॉर्मल असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज क्या है, कि इसका अनौपचारिक आकलन, भाषा का आकलन कैसे किया जा सकता है, तो ओरल लैंग्वेज कि मौखिक लैंग्वेज में कैसे क्या देखते हैं, इवेल्युएटिंग इन अ नेचुरिस्टिक एंड इंटरेक्टिव कॉन्टेक्स्ट अप्रोच दैट कैन बी यूज टू इवेल्युएट द स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज इन नेचुरलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट इज लैंग्वेज सैम्पलिंग, उसकी भाषा जो है उसको जो है नेचुरल रूप में कैसे वो बोल रहा है, उसकी कैसे उसकी भाषा जो है निकल के आ रही है, वो कैसे अपने शब्दों का उपयोग कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इलिसिटिंग द सैंपल ड्यूरिंग फ्री प्ले आर अ कंजर्वेशन, वो फ्री खेल रहा है तो वो कैसी बातें बोल रहा है, आस्क चाइल्ड टू टेल आर रीटेल अ स्टोरी, आपस में बातें कैसे करता है, रिस्पॉन्ड क्वेश्चन किसी चीज़ का उत्तर कैसे देता है, पिक्चर एक्टिविटी डिजाइन टू द इलिसिट द सैंपल किसी चीज़ को कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका जवाब कैसे देता है। इंटीमेटिव लैंग्वेज सैंपल आस्किंग चाइल्ड टू रिपीट सेंटेंस, वो भाषा को कैसे दोहराता है, प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जामिनर, जो भी कोई चीज़ सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब वो कैसे देता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जान करके जो है इनफॉर्मल असेसमेंट किया जा सकता है। एनालाइज द सैंपल, जो भी चीज़ें उसके कंटेंट मिल रहे हैं उसका क्या है, इट इंक्लूड्स फॉर्म इंक्लूडिंग फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स कंटेंट्स, इंक्लूडिंग द वोकैबुलरी यूज, इंक्लूडिंग प्रैग्मेटिक्स कि बालक जो है किस टाइप के वर्ड का उपयोग कर रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका सिंटैक्स कैसा है, उसने कंटेंट कैसा उपयोग कर रहा है, उसको जोड़ने की स्थिति कैसी है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, इन तमाम चीज़ों को कॉम्युलेट करते हैं, उसके एनालाइज करते हैं, उसके हम निर्णय ले सकते हैं कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है या उसकी भाषा का जो आकलन है वो उस किस स्थिति में है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। रिटन लैंग्वेज, इवेल्युएशन द रिटन लैंग्वेज यूजिंग स्टूडेंट एक्चुअल वर्क प्रोडक्ट्स, वो जो कार्य करता है उसकी चीज़ों को आकलन करके निकाला जा सकता है। फोकस ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर, उसके केयरलेस, एक्सेसिव यूजेज, वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन एंड पैराग्राफ्स, इन तमाम चीज़ों के द्वारा जो है हम उसकी राइटिंग स्थिति को देख सकते हैं कि कैसे लिखता है, अच्छा उसके लिखने की स्थिति क्या है, नाउन का प्रयोग, प्रोनाउन का, पंक्चुएशन, इन तमाम चीज़ों का कैसे उपयोग करता है। असाक्सॉन 1988 में सजेस्टेड द फ्लुएंसी नंबर वर्ड रिटन कंटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन
कन्वेंशन, स्पेलिंग और हैंड राइटिंग उसकी क्या है, इन चीज़ों के बारे में जो है उसकी वस्तुस्थिति का जानने का प्रयास किया जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज टेस्ट, उसका लैंग्वेज टेस्ट कैसे करते हैं, ओरल लैंग्वेज टेस्ट के द्वारा जो है करते हैं। पी बॉडी पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। मेजर्स इंडिविजुअल रिपीटिंग लैंग्वेज एबिलिटी, उसकी रिपीटिटिव लैंग्वेज की स्थिति क्या है। इजी एंड क्विक एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्थापन कैसे करता है। टू फॉर्म एल एंड एम यूज विद इन द इंडिविजुअल फ्रॉम एज 2.5 to 14 years, व्यक्तिगत रूप से वो फॉर्म का कैसे उपयोग करता है। ईच प्लेट फोर पिक्चर आर शोन, द वोकैबुलरी वर्ड इज स्टेटेड एंड द एग्जामिनी मस्ट इंडिकेट द करेक्ट पिक्चर्स आइदर वर्बली आर बाई पॉइंटिंग, किसी चीज़ को कैसे वो इंडिकेट करता है पॉइंट से या वर्बल कैसे बोलता है या पॉइंट करता है, इसके माध्यम से हमें उसके भाषा का आकलन मिलता है कि उसकी स्थिति क्या है। टेस्ट ऑफ एडोलसेंट लैंग्वेज, उसकी प्रौढ़ावस्था का की भाषा कैसी है, इसमें देखते हैं कि इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड टेस्ट, व्यक्तिगत रूप से उसके व्यवस्थापन टेस्ट के द्वारा जाना जा सकता है। सम पोर्शन कैन बी ग्रुप एडमिनिस्टर्ड स्टूडेंट्स एज 12 to 18.5, 12.5 से 18 साल तक के बीच में जो है इस टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। डिजाइन टू मेजर द एरियाज ऑफ सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स बोथ रिसेप्टिवली एंड एक्सप्रेसिवली एज वेल एज इन स्पोकन एंड रिटन फॉर्म, इनके जो है सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स वगैरह की स्थिति क्या है, इसके द्वारा जो है वो शब्दों का चयन कैसे कर पा रहे हैं, उसका अर्थपूर्ण निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है इसके माध्यम से। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी कैसी है, तो डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एज 9 to 18 हु हैव लैंग्वेज डिसेबिलिटी, अगर किसी की जो है व्यक्तिगत जो है 9 से 19 साल तक का है और लैंग्वेज की समस्या है, नहीं अपनी बातों को रख पा रहा है, तो उस बालक में मान लिया जाता है कि लैंग्वेज डिसेबिलिटी है। फोकस ऑन द एरिया ऑफ सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, और हम जो है इस पे सिमेंटिक्स सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक स्थिति को पे विशेष रूप से गौर करते हैं और देखते हैं कि उसकी बोलने की स्थिति कैसी है और प्रोनाउंसिएशन कैसा है। इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड टेस्ट, इसका व्यक्तिगत रूप से एडमिनिस्टर्ड टेस्ट किया जा सकता है। देयर आर फोर सब टेस्ट, फोर प्रकार के सब टेस्ट भी किए जाते हैं। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट टू यूज टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु हैव लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड टू प्रोफाइल इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन बेसिक लैंग्वेज एबिलिटीज, इसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है भाषा की सक्षमता का पता लगाया जा सकता है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। टोल टू कंसिस्ट द प्राइमरी एडिशन 4 to 8 years, यह 4 से 8 साल के बच्चे पे इसका उपयोग किया जाता है। इंटरमीडिएट एडिशन 8.5 से 12 साल के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इंक्लूड सिमेंटिक्स सिंटैक्स फोनोलॉजी थ्रू बोथ द रिपीटेटिव एंड एक्सप्रेसिव चैनल, इसमें जो है हम बालक के उसके सिंटैक्स फोनोलॉजी थ्रू दोनों एरियाओं में जो है उसके जानने का प्रयास करते हैं, एक चैनल के रूप में उसको उसकी रिपीटेटिव एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। रिटन लैंग्वेज टेस्ट के लिए इसमें क्या करते हैं, टेस्ट रिटन लैंग्वेज टू सब, ये जब जो है उनके लैंग्वेज असेसमेंट के तरीके हैं। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु हैव प्रॉब्लम विथ रिटन एक्सप्रेशन, किसी बालक का अगर राइटिंग एक्सप्रेशन देने में स्थिति पुअर है तो उसके लिए ये टेस्ट उपयोग किया जाता है। टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द रिटन लैंग्वेज स्किल, उसके लिखने की जो स्थिति है इसके बारे में उसकी पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें पता लगती हैं। टू डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस इज 7.5 to 18 years, 7.5 साल से 18 साल तक के बच्चों में उसके डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस को जांच करके भी देखा जा सकता है। एरिया ऑफ रिटन लैंग्वेज इनटू 3 components, उसमें 3 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, कन्वेंशनल लिंग्विस्टिक और कंसेप्चुअल, उसकी इन तीनों चीज़ों को जान करके भी जो है उसकी रिटन लैंग्वेज की स्थिति क्या है ये जाना जा सकता है। टेस्ट फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज क्लिनिशियन, उसके जो है स्पीच और भाषा की स्थिति क्या है इसके जानने के लिए जो है क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज फंडामेंटल्स रिवाइज्ड करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेस्ट किया जाता है। टेस्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स स्किल की स्थिति क्या है उसको जांच की जाती है। टेस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान के लिए टेस्ट है। टेस्ट ऑफ वर्ड फाइंडिंग वर्ड की जानने के लिए जो है ढूंढने के लिए जो है टेस्ट किया जाता है, जिसे तमाम प्रकार के टेस्टों का या उसकी स्थिति का आकलन किया जाता है। तो आज हमने इसमें जाना कि जो है आकलन क्या होता है और आकलन के द्वारा जो है हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमने जाना कि आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बालक के बारे में बिना उसके बताए
उसके बारे में जान करके उसके लिए योजनाएं तैयार करना है कि उसके जो है उससे संबंधित सूचनाओं का संकलन और सूचनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन, उसका शैक्षिक पक्ष क्या है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, उसकी शारीरिक पक्ष क्या है, उसकी भाषा का पक्ष क्या है, उन तमाम चीज़ों को जान करके और इस निर्णय पे पहुंचना कि उसमें वीकनेस उसका क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन चीज़ों को जानना ही आकलन कहलाता है। और उसमें हमने देखा कि उसका शैक्षणिक आकलन कैसे किया जाए, कैसे कैसे किया जा सकता है, उसका व्यवहारिक आकलन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, उसके भाषा का आकलन कैसे किया जाए, उसके दिनचर्या उसकी कैसे की जाए, उसके क्लासरूम उसका पाठ्यक्रम के निर्माण में कैसे क्या किया जाए उपयोग, तो तमाम तथ्यों के बारे में हमने सविस्तार जाना। और आप लोगों ने बहुत पेशेंस पूर्वक सुना और मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी और आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर हमको पुनः किसी ऐसे ही क्लास में हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।